उत्तरी दिल्ली नगर निगम में केशवपुरम जोन के अंतर्गत मेट्रो पिलरों को पेंटिंग के माध्यम से स्वच्छ और सुंदर बनाने के क्रम को आगे बढ़ाते हुए स्लोगन देश का बढ़ाया मान युवा शक्ति का सम्मान की शुरुआत के साथ आज केशवपुरम मेट्रो स्टेशन के पास के मेट्रो पिलरों पर पेंटिंग का लोकार्पण किया गया, जिसमें टोक्यो पैरालंपिक मेडल विजेताओं के चित्रों को अंकित किया गया। इस अवसर पर केशवपुरम जोन के अध्यक्ष श्री योगेश वर्मा के अतिरिक्त निगम में स्थायी समिति के अध्यक्ष जोगी रामचैन, डेम्स कमेटी के अध्यक्ष सुजीत ठाकुर, जयप्रकाश पूर्व महापौर, उद्यान समिति के अध्यक्षा वंदना जेटली, केशवपुरम के जिलाध्यक्ष राजकुमार भाटिया, डीडीसीए के सचिव श्री सिद्धार्थ वर्मा, महा सिंह राव, द्रोणाचार्य अवार्डी कुलदीप वत्स, अध्यक्ष दिल्ली ओलंपिक संघ राजीव तोमर, अर्जुन अवार्डी, जोन के उपायुक्त अधीक्षक गण, अभियंता आदि लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री जोगी राम जैन ने खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि हमारे खिलाड़ियों ने अपने पसीने बहाकर विदेश में हमारे देश का मान बढ़ाया और आज जो मेट्रो पिलर पर इनका चित्रांकन किया गया है, इससे लोगों में एक सुखद संदेश जाएगा और लोगों को इससे काफी प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार के निगमों के प्रति बेरुखी बर्ताव के बावजूद भी आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम अपने सीमित स्रोतों से अच्छे कार्य कर रहा है और भविष्य में भी इस प्रकार के कार्य करता रहेगा। सर, जिस तरीके से आज ये लोकार्पण किया गया, उससे मतलब क्या संदेश जाता है, आप पहुंच भी रहे हैं? देखिए, लोकार्पण से ये संदेश जाता है, देखिए मेरे सामने मेरे साथ राजीव तोमर पहलवान खड़ा, जो टोक्यो ओलंपिक में भारतीय कुश्ती टीम का कोच था और टोक्यो ओलंपिक में भारतीय कुश्ती टीम ने एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज मेडल जीता। इस लोकार्पण से ये संदेश आया कि जो भी खिलाड़ी का जो चित्र है उसे आने वाली पीढ़ी है वो एक प्रेरणा लेगी और खिलाड़ी का मान सम्मान है। अब जितने बहुत सारे लोग गुजरते हैं, भाई इस पिलर का नंबर इतने पर आ जाना, मैं यहाँ गाड़ी लेके खड़ा हूँ, अब वो कहे मैं उस खिलाड़ी की फ़ोटो के सामने खड़ा हूँ और वो खिलाड़ी का भी मनोबल ये बढ़ता है कि देखो मेरे को मान सम्मान, मेरे को क्या है कि जैसे टीवी में मीडिया में मेडल जीतने बाद में हफ्ते दो महीने तीन महीने आता है, लेकिन ये चित्र है ये सालों साल तक मोटिवेट करता रहेगा आने वाली पीढ़ी को और खिलाड़ी को भी मोटिवेशन देगा कि अगर मैं और आगे अच्छा करूँगा तो मतलब मेरा नाम और ज़्यादा बढ़िया होगा और पूरा देश मान सम्मान देगा। जिस प्रकार से मोदी जी ने खिलाड़ियों का मान सम्मान किया, खिलाड़ियों से इंटरेक्ट किया, जाने से पहले मोटिवेट किया, आने के बाद में उनके साथ चाय नाश्ता खाने पर रहे, तो उससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है और इस तरह के लोकार्पण होंगे तो खिलाड़ियों का मान सम्मान भी बढ़ेगा और देश का मान सम्मान भी बढ़ेगा। पिलर पर जो उनकी तस्वीर बनाई गई है उनको एक सम्मान दिया गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, कार्यक्रम आप लोगों ने बहुत देखे होंगे, हर रोज़ हमारे कोई ना कोई कार्यक्रम होते ही रहते हैं, किसी सड़क का उद्घाटन है, किसी पार्क का उद्घाटन है, किसी के नाम से रखा जा रहा है, लेकिन खिलाड़ियों के नाम से और इस तरह के जो पिलर जो सड़क पे हैं मेट्रो के बड़े बड़े पिलर, उस पर हम किसी खिलाड़ी का जिसने देश का नाम रोशन किया हो और चारों तरफ जिसकी चर्चा रही हो, तो उन लोगों को सम्मानित करने का एक ये अभूतपूर्व कार्यक्रम है। क्योंकि मैं अभी यही बात कह रहा था कि अखबार में जब वो कोई मेडल जीतते हैं तो अखबार में एक बार नाम आता है, एक हफ्ते तक उसकी चर्चा रहती है, लेकिन इस पिलर के ऊपर उनके जो हमने चित्र अंकित किए हैं वो जब तक पिलर रहेगा तब तक उनका नाम रोशन रहेगा। ये उनके सम्मान में एक बहुत ही अच्छा संदेश जा रहा है कि लोग ये देखेंगे समझेंगे तो ये, और जिसको जानकारी नहीं है वो पूछने की भी कोशिश करेगा। तो एक ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने देश का नाम रोशन किया हो, देश में नाम रोशन हुआ है, विदेशों में नाम रोशन हुआ, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम उनको इतना सम्मान दें, उसी का एक चित्रण आप लोगों के सामने आया है। थैंक यू। आज जो कार्यक्रम है उसके बारे में बताएं। देखिए, ये जो आज का कार्यक्रम है एक देश के युवा पीढ़ी को हौसला बढ़ाने के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम केशवपुरम जोन चेयरमैन योगेश वर्मा जी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किए, उनको खासतौर से बधाई कि ये आज जो मेट्रो पिलर पे चित्र का लोकार्पण किया गया है, इससे यहाँ से चलने वाले जितने लोग हैं वो देखेंगे। और इस चित्र से दो बात है, एक तो इस मतलब खिलाड़ी का हौसला बढ़ेगा, आने वाले खिलाड़ी को और प्रेरणा मिलेगा, जब हम अच्छा करेंगे तो हमें भी इस प्रकार का
सम्मान होगा, मौका मिलेगा। दूसरा नंबर ये पिलर की सुंदरीकरण होगी, स्वच्छता हो गया। तो मोदी जी का जो सपना है पूरा भारत छोड़ो, उसके अभियान के तहत भी ये स्वच्छता के अभियान के तहत भी उत्तरी दिल्ली नगर निगम और खासतौर से केशवपुरम जोन में काफ़ी मेट्रो पिलर पे इस प्रकार की प्रचार की जाती है। हौसला बढ़ाने के लिए सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री जी अपना फोटो लेके अपना प्रचार करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता और मोदी जी का जो सेना है वो समाज के लिए, क्षेत्र के लिए काम करते हैं। उसी के तहत आज सभी खिलाड़ी को बहुत बहुत है और जोगीराम जैन जी जो हमारे स्थायी समिति अध्यक्ष वो भी इसमें शामिल हुए और हम सब मिल के अपने युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने का हौसला बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, जो हमारे देश का नाम गौरवान्वित करे, उसी के तहत यहाँ आज कार्यक्रम। आज आपने नाम रखा, नाम देखिए, ये आज जो है अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस है। हमारे हॉकी के जो जादूगर कहे जाते थे ध्यानचंद जी का, उनकी पुण्यतिथि भी है और उसके साथ साथ आज ज़रूरत है देश को और विशेष रूप से जो पैरा ओलंपिक के अंदर जिन लोगों ने मेडल जीता था, जो खिलाड़ी हमारे थे, आज हमने उनको एक अपनी तरफ से सम्मान देने के लिए आज निगम की ओर से हमने सभी मेट्रो पिलर्स पर जो चित्र अंकित किए हैं उसके पीछे भाव केवल यही होता है कि हम आने वाली पीढ़ी को ये संदेश दें कि अगर आप भी इतना बढ़िया काम करोगे तो आप लोगों का भी इसी प्रकार से मान सम्मान होगा। और इस प्रोग्राम को जब चार चांद लगाने के लिए जब पुराने उनके गुरु, उन जैसे कोच और खिलाड़ी जब उपस्थित हो जाते हैं तो उस कार्यक्रम की शोभा अलग बढ़ जाती है। और आपने देखा कि हमने उससे पहले मधुबन चौक पर जिस प्रकार से चित्र अंकित किए थे सभी खिलाड़ियों के जिन्होंने मेडल जीते थे, आज हमने पैरा ओलंपिक, आप ये मान के चलिए जिन लोगों के पास कहीं ना कहीं दिव्यांग जन हैं और उन लोगों ने इतना खून पसीना बहाया है, तो आप ये मान सकते हैं कि उनका आत्मविश्वास कितना अधिक होगा और वो आत्मविश्वास आगे बढ़े, हमने लिए आज ये प्रयास किया। और इसके साथ स्वच्छता का भी संदेश दिया है, क्योंकि कोई भी स्थान जब सुंदर दिखता है तो उसके अंदर कोई भी आदमी कूड़ा नहीं डालता। हम अक्सर देखते हैं कि यहाँ पर पोस्टर चिपका दिए जाते हैं, थूक फेंक दिए जाते हैं, लेकिन जब से हमने ये चित्र अंकित किए ना तो आपको कहीं थूक के निशान दिखेंगे ना कहीं पर ऐसे पोस्टर दिखेंगे। तो एक प्रकार से स्वच्छता के साथ साथ सम्मान दिवस के रूप में हमने आज कार्यक्रम को आयोजित किया है। सवाल ये भी कि इसके पास ये अगर ये गंदे होते हैं इनके नहीं, उसके लिए हम लोग रखरखाव के लिए हम अपने अधिकारियों को हमने निर्देश दे दिए हैं कि इसको निश्चित रूप से इसको सफाई भी करते रहेंगे और कार्यक्रम की इनको आगे इस प्रकार से मेंटेन भी करेंगे।